हे गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर वेल। तो स्टूडेंट्स, करंट अफेयर की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे 18 अक्टूबर के करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमने इस वीडियो को। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट करंट अफेयर है। आज के करंट अफेयर में हम सबसे पहले डे के बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे। स्टूडेंट, वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे सेलिब्रेट किया जाता है 16 अक्टूबर को। ओके स्टूडेंट्स, 16 अक्टूबर को हम वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे सेलिब्रेट करते हैं। 2023 की वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे की थीम क्या थी? एनेस्थीसिया एंड कैंसर केयर, इसकी थीम थी। स्टूडेंट, जो हमारा वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे है, कब से इस्टेब्लिश हुआ था? 16 अक्टूबर 1846 में इस्टेब्लिश हुआ था, व्हेन विलियम थॉमस ग्रीन मॉर्टन कंडक्टेड द फर्स्ट सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन ऑन ऑफ एनेस्थीसिया एट मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल इन बॉस्टन। स्टूडेंट्स, विलियम थॉमस ग्रीन मॉर्टन ने फर्स्ट सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन किया था एनेस्थीसिया का बोस्टन के एक हॉस्पिटल में। ओके स्टूडेंट, तो तब से वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ कम टू सेकंड करंट अफेयर, वर्ल्ड स्पाइन डे। स्टूडेंट, वर्ल्ड स्पाइन डे कब सेलिब्रेट करता है? 16 अक्टूबर को। स्टूडेंट, 16 अक्टूबर को ही वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे सेलिब्रेट करता है और 16 अक्टूबर को ही वर्ल्ड स्पाइन डे सेलिब्रेट करता है। ओके स्टूडेंट्स, इसकी हाईलाइट क्या है? द बर्डन ऑफ स्पाइनल पेन एंड डिसेबिलिटी ग्लोबली, इसकी थीम, इसकी हाईलाइट है ये वर्ल्ड स्पाइन डे की। इसका थीम क्या है? मूव योर स्पाइन, इसका थीम है। नाउ कम टू थर्ड करंट अफेयर। स्टूडेंट, थर्ड करंट अफेयर में हम चैंपियनशिप की बात करेंगे। स्टूडेंट, चेस चैंपियनशिप हुई है, फिडे वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप हुई है, उसमें मेंस और वुमेन्स के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, मेंस में इंडिया की रौनक साधवानी ने विन किया, मतलब खिताब अपने नाम किया है फिडे वर्ल्ड जूनियर रैपिड चैंपियनशिप 2023 का। मतलब इंडिया की रौनक साधवानी ने मेंस सेक्शन में ये खिताब अपने नाम किया और वुमेन्स सेक्शन में अजरबैजान गोवर बेदुल्ला येवे विंस फिडे गर्ल्स सेक्शन वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप। स्टूडेंट, अजरबैजान की गर्ल्स सेक्शन में गोवर बेदुल्ला ने अपने नाम खिताब किया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू फोर्थ करंट अफेयर। नाउ कम टू फोर्थ, डॉक्टर मनोहर गिल। स्टूडेंट, डॉक्टर मनोहर गिल पास्ट रिसेंटली, कौन है डॉक्टर मनोहर गिल? फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है डॉक्टर मनोहर गिल। स्टूडेंट्स, ये 11th चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं हमारे कंट्री के, डॉक्टर मनोहर गिल। स्टूडेंट, ही सर्व एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिटवीन दिसंबर 1996 टू जून 2001। स्टूडेंट्स, ये दिसंबर 1996 से लेकर जून 2001 तक इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट संभाली है। स्टूडेंट, ही वॉज अवार्डेड पद्म विभूषण इन द ईयर 2000। स्टूडेंट, 2000 ईयर में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था, डॉक्टर मनोहर गिल, जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। ओके स्टूडेंट, ये पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू फिफ्थ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कन्फर्म दैट इंडिया वुड होस्ट 2036 ओलंपिक्स। स्टूडेंट, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कन्फर्म किया है कि इंडिया 2036 के ओलंपिक्स को होस्ट करेगा। ओके स्टूडेंट, इंडिया होस्ट करने वाली फोर्थ एशियन कंट्री बन जाएगी जो ओलंपिक गेम्स को होस्ट करेगी। ओके स्टूडेंट, जी अनाउंसमेंट पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे की है? पीएम मोदी मेड द अनाउंसमेंट ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन ऑफ 141st IOC सेशन एट द वर्ल्ड सेंटर इन मुंबई। स्टूडेंट, वर्ल्ड सेंटर मुंबई में IOC का 141st सेशन चल रहा था, उसमें ये अनाउंसमेंट की थी। ओके स्टूडेंट्स, उसकी इनोग्रेशन में अनाउंस की थी उन्होंने। ओके स्टूडेंट, नाम कम टू सिक्स्थ, नेम्ड अमेज 28, केरलास फर्स्ट बिल्डिंग बिल्ट यूजिंग 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी हैज बीन इनोग्रेटेड। स्टूडेंट, केरला की फर्स्ट बिल्डिंग बिल्ट हुई है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से, इसका इनोग्रेशन हुआ है केरला में। क्या नाम है उसका? नेम्ड अमेज 28 उसका नेम है। इसका इनोग्रेशन किसने किया? रिवेन्यू मिनिस्टर के राजन जी ने इसका इनोग्रेशन किया। स्टूडेंट, जो ये बिल्डिंग है ये 28 डेज में कंप्लीट हो गई थी बनके। तो स्टूडेंट्स, केरला की फर्स्ट बिल्डिंग बिल्ट यूजिंग 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, उसका इनोग्रेशन हुआ है केरला में। इसका नेम क्या? अमेज 28 इसका नाम है। इसका इनोग्रेशन किसने किया? रिवेन्यू मिनिस्टर ने इसका इनोग्रेशन किया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू सेवेंथ, यूपी मींस द थर्ड प्राइज इन ऑपरेशनलाइजिंग टेली मानस यूजिंग टेली टेक्नोलॉजी फॉर मेंटल हेल्थ एंड काउंसलिंग ऑन द नेशनल हेल्थ मेंटल हेल्थ डे। फ्रेंड, अभी नेशनल मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया गया था, उसमें स्टूडेंट्स, उसमें यूपी ने थर्ड प्राइज जीता। कैसे? ऑपरेशनलाइजिंग टेली मानस यूजिंग टेली टेक्नोलॉजी में, जिसमें मेंटल हेल्थ और काउंसलिंग में ये थर्ड प्राइज जीता। फ्रेंड, जो कोविड साइड इफेक्ट्स हुए थे, अभी कोविड साइड इफेक्ट्स रहे हैं पेंडेमिक में, स्टूडेंट, जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्रीज़ हुई है, जैसे कि मेंटल डिसऑर्डर्स डिप्रेशंस में इंक्रीज़ हुआ है लगातार फ़ोन्स के यूज़ करने, लगातार सोशल मीडिया के यूज़ करने से, उसमें ऑपरेशनलाइजिंग टेलिस मानस यूजिंग टेली टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है मेंटल हेल्थ को काउंसलिंग के लिए, उसमें यूपी ने थर्ड प्राइज जीता। ओके स्टूडेंट, लार्जेस्ट स्टेट्स में फर्स्ट पोजीशन तमिलनाडु की है, सेकंड पोजीशन महाराष्ट्र की है, थर्ड यूपी की है।
और स्मॉलेस्ट स्टेट में तेलंगाना की फर्स्ट पोजीशन रही है, सेकंड झारखंड की रही है और थर्ड केरला ने जीता। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू एट्थ, ग्लोबल इंडेक्स मेजरिंग हाउस एप्रिसिएशन। स्टूडेंट्स, अभी एक इंडेक्स रिलीज हुआ है। उस इंडेक्स में क्या होता है, जो मतलब गवर्नमेंट इंडेक्स रिलीज करते हैं, इसमें सभी सिटीज़ के हाउस रेट देखा जाता है कि इसमें हाउस रेट कितना है सिटीज़ में। ओके स्टूडेंट, हमारे मुंबई ने, इंडिया की सिटीज़ मुंबई ने की 19th पोजीशन रही है, बेंगलुरु की 22nd रही है और दिल्ली की 25th रही है। ओके स्टूडेंट्स, ये थे हमारे सेकंड पेज। तो स्टार्ट आज की वीडियो में थे। इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव इट थम्स अप एंड प्रेस सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच, बाय।